जयपुर के जगतपुरा इलाके में पिछले महीने हुई बबीता मीणा की मौत के मामले में मीणा समाज ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष न्याय की मांग की है। इसी को लेकर अखिल भारतीय महासंघ ने मृतका के परिवारजनों के साथ जयपुर में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान पीड़ित परिवार समेत संगठन ने मुख्य आरोपी संतोष मीणा और उनके परिजनों की गिरफ्तारी की मांग की है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष रामस्वरूप मीणा और मृतका बबीता मीणा के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। कई बार उसकी सास और पति ने बबीता के साथ मारपीट भी की, जिसके सबूत पुलिस को सौंप दिए गए। परिवार का आरोप है कि घर में कई अनैतिक काम हो रहे थे, जिसका बबीता ने विरोध किया। आपको बता दें कि बबीता ने अपने आवास पर 15 मई को फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि पुलिस मामले में बबीता के पति को गिरफ्तार कर चुकी है। बबीता ने खुद ने मुझे बताया है, एक साल तक तो उसको घर पे नहीं आने दिए, पग फेरे के लिए भी नहीं भेजे हमारे पास, सिर्फ दहेज के लिए। और एक बार फिर वो भाग के आई ना, तो वहां से छुड़ा के उसकी ननद का कोई बर्थडे वर्थडे मनाया गया था, तो उस बर्थडे में है ना, उस ननद को तो फोन दिया गया और बबीता को हम लोगों से बात तक नहीं करने देते थे। तब बबीता ने बताया कि ये, मैंने कहा ना कि मेरे घर वालों से बात करवाओ, तो सब ने, ननद ने, देवर ने, सास ने, ससुर ने, सब ने मिलके और उसको मारा है, बहुत जोर से मारा है। फिर वो भाग के, और जयपुर में ही रहती हूँ मैं, पास में, मेरे पास आ गई, उसने सारी बातें बताई है कि अगर मैं झूठा, जो झूठा मेरी सास झूठा खिलाती थी मुझे, और मैं नहीं खाती ना तो मुझे मारती थी पकड़ पकड़ के। 15 मई को हमारे मीणा समाज की बेटी बबीता का उसके ससुराल वालों ने दहेज के कारण उसकी हत्या कर दी। हत्या करके उसको आत्महत्या का रूप दिया गया। इन लोगों ने कमिटमेंट किया था 2 साल पहले शादी की उस समय कि हम 1 रुपए के ब्याह पर शादी करेंगे। जब शादी हो गई उसके 3-4 महीने बाद इन्होंने कभी 5 लाख रुपए की, कभी 10 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। अंत में कोरोना का जो समय था, इसका मौका देख करके उसके हस्बैंड ने, जो अभी जेल में है, उसके साथ संतोष एक प्लान के रूप में तैयार करके और उसका मर्डर किया, उसकी हत्या की। परिस्थितियां देखी जाए हत्या की, तो मकान कमरा खुला हुआ था, वो खड़ी थी एक कपड़े का टुकड़ा खिड़की बांध करके। आप लोग, अगर आप लोग भी जाके देखते हैं तो आप लोगों को पता लगे कि हत्या की गई या आत्महत्या की।